चलिए गौर करिएगा, कल आप लोगों को हम प्रिज्म में, अब देखिए यहाँ से आपके, हालांकि कल से ही प्रारंभ हो गया है, ध्यान से देखिएगा कि प्रिज्म का अगर वॉल्यूम निकालना होगा, ध्यान से देखिए, अगर आज वाला से भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि प्रिज्म का अगर वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम बराबर होता है एरिया ऑफ बेस गुना हाइट, एरिया ऑफ बेस गुना हाई, ओके हाई ऑफ कर लीजिए। अजी ये मैं कर तुम्हारे को मी ना मार होगा काम तो सुनता है। माइक ऑफ कीजिए, अपना सब माइक ऑफ कर रखिए, इधर से केवल सुनिए, जब पूछना हो तब बोलिए। चलिए, प्रिज्म का वॉल्यूम मतलब आयतन, यानी एरिया और बेस गुना हाइट। एरिया और बेस के बारे में पिछले क्लास में हम चर्चा कर चुके थे कि त्रिभुज रहेगा तो त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, चतुर्भुज रहेगा चतुर्भुज का एरिया निकालेंगे, जैसा रहेगा बेस वैसा हम उसके साथ फेस करेंगे, है ना। तो अब देखेंगे, ये हो गया वॉल्यूम। अब बात रहा कि प्रिज्म का अगर सी एस ए निकालना है, सी एस ए मतलब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ अर्थात दीवाल का एरिया, ढक्कन पेंदा छोड़ के। तो जब ये पूछेगा तब ये होगा, इसका सूत्र होता है पेरीमीटर ऑफ बेस गुना हाइट। पेरीमीटर मतलब परिमाप, पेरीमीटर ऑफ बेस गुना हाइट, जो कि कल भी हम चर्चा किए हैं लेकिन आज पुनः चर्चा कर दे रहे हैं। और देख लीजिए, अगर ये प्रिज्म का अगर टी एस ए पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ का एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आपको लगाना होगा पहले सी एस ए करना होगा, मतलब ई जो सी एस ए निकलेगा पेरीमीटर और बेस गुने हाइट से, पहले वो निकालना होगा, प्लस 2 गुना एरिया ऑफ बेस, यानी कि एरिया का डबल गुना करके जोड़ देना है, एरिया ऑफ बेस। चलिए, यही 3 सूत्र का प्रयोग प्रिज्म में होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, पुनः एक बार हम पढ़ देते हैं, और ये कह रहा है प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस गुना हाइट। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा सूत्र जो है आपका कहता है कर्व सरफेस एरिया, यानी पेरीमीटर और बेस गुना हाइट। और तीसरा हो गया टोटल सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया में बेस के क्षेत्रफल का 2 गुना अगर हम जोड़ देते हैं कि टोटल सरफेस एरिया आ जाता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है। चलिए, अब इस पर हम कुछ जो है और हम बात बता रहे हैं। देखिए, अगर मान लिया जाए कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ये 12 सेंटीमीटर दिया है और ये 13 सेंटीमीटर दिया है। तो कभी कभी क्या करता है कि कह देगा एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 5, 12, 13 है, 5, 12, 13 है, और आपको ये पता नहीं रहेगा कि समकोण त्रिभुज है और कि क्या है। तो आइए हम पहले 5, 12, 13, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ये जो है कैसी जानेंगे कि ये समकोण त्रिभुज की भुजा है, कैसी जानेंगे कि समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो देखिए, जब समकोण त्रिभुज की भुजा पहचानना होगा तो 5, 12, 13 में, 5, 12, 13 में पहले सबसे बड़की को पकड़ लीजिए, तो 13 के स्क्वायर, अगर बड़की का स्क्वायर दोनों छोटकी के स्क्वायर के जोड़ के बराबर अगर हो जाता है, अगर दोनों छोटकी के स्क्वायर के जोड़ के बराबर अगर आ जाता है, तो 25 और 144 जोड़िएगा 169 आएगा, और 13 के भी स्क्वायर करिएगा 169 आएगा। इसका मतलब है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजा है, 5, 12, 13, यानी कि सबसे बड़की के वर्ग किया 169 आया, और दोनों के वर्ग करके जोड़े, तो अगर इस प्रकार से दोनों अगर सेम हो जाता है तो समझेंगे समकोण त्रिभुज की भुजा है। अगर समकोण त्रिभुज की भुजा होगा तो एरिया निकालना बड़ा आसान होता है। क्या करना है कि छोटकी दोनों गुना करके
आधा कर दीजिएगा तो एरिया आ जाएगा। ऐसे भी जानते होंगे एक बट्टा दू आधार गुने ऊंचाई, लेकिन जल्दीबाजी में आपको हम बता रहे हैं कि बड़की के छोड़ के दोनों छोट की गुना करके आधा करिएगा तो एरिया आ जाएगा। 5 × 30 cm² आपका आंसर आने वाला है। चलिए तो कुछ कुछ जो है आपको और हम डेटा दे देते हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज होने के जैसे 3 cm, 4 cm, 5 cm, 3, 4, 5 जो है राइट एंगल ट्रायंगल की भुजा है, राइट एंगल ट्रायंगल की भुजा है, यानी समकोण त्रिभुज की भुजा होगी, क्योंकि बड़की के वर्ग करके दोनों छोटकी के वर्ग जोड़िएगा तो बराबर आ जाएगा, अतः समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर इसका एरिया पूछेगा, एरिया निकालना बड़ा आसान है, दोनों छोटकी गुना कर देंगे, आधा कर देंगे, 3 × 4 = 12, 12 × 1 = 6 cm, इसी प्रकार से 6 cm रहे, 8 cm रहे, 10 cm रहे। अगर इसका एरिया निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे देखिए जल्दीबाजी में, इसमें एरिया निकालना है तो दोनों छोटका के गुना करेंगे, आधा कर देंगे, तब 3 × 2 = 6 काट दीजिए, 8 × 3 = 24 cm आ जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। अगर समकोण त्रिभुज है तो जल्दी बनाने का यही तरीका है। आइए अब कुछ क्वेश्चन पर आते हैं, हम क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है कि एक लंब त्रिभुजाकार प्रिज्म है, इसकी ऊंचाई जो है 21 cm है, यानी कि प्रिज्म का जो हाइट दिया है वो 21 cm दिया है। ये हमारे काम का चीज है, लिख ले रहे हैं। और उसकी आधार की भुजा का रेशियो 8:15:17 है, 8:15:17 है, यानी कि भुजा जो है त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये 8:15:17 समकोण त्रिभुज होता है, 8:15:17 जो है, 8:15:17 ये जो है समकोण त्रिभुज है। ध्यान दीजिए, ये 8 है, ये 15 है, ये 17 है, लेकिन रेशियो में है, इसलिए x के रूप में मानिएगा, x के रूप में मानिएगा, रेशियो है इसलिए। अब कहता है यदि पार्श्व पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, देखिए पार्श्व पृष्ठ दिया है, तो पार्श्व पृष्ठ जब दिया है तो पार्श्व पृष्ठ ही पहले हम लगाएंगे, जो दिया है पहले वो निकालिए, पार्श्व पृष्ठ का एरिया, ये पार्श्व आगे लिखना चाहिए था, पीछे लिख दे रहे हैं। चलिए पार्श्व पृष्ठ का एरिया दिया है 840। अब जो है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग के पता होगा कि क्या होता है, तब पेरीमीटर ऑफ बेस गुने हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस गुने हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस गुने हाइट। देखिए तब पेरीमीटर ऑफ बेस का 8:15 हो गया 23, 23 और 17 जोड़ेंगे 40, ये पेरीमीटर ऑफ बेस हो गया, हाइट आपका 21 है तो 21 कर दीजिए, और ये 840 दिया है, ये 21 लाए हाइट प्रिज्म का। अब इसको काट दीजिए, 21 × 84 यानी 40 बार में खत्म, x का मान आपका 1 आ गया। x का मान जब 1 आ गया तो जरा सोचिए कि यहाँ तो रेशियो के रूप में था, इस भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 15 × 1 = 15 हो जाएगा, 15 क्योंकि x का मान 1 आ गया है, ये 17 है तो 17 सेंटीमीटर ही आ गया। बात पूछ रहा है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस गुना हाइट, एरिया ऑफ बेस गुना हाइट होता है, एरिया ऑफ बेस गुना हाइट। तो बताइए इसका एरिया निकालने के लिए अभी बता रहे थे समकोण त्रिभुज में 8 × 15 अगर आधा कर देंगे तो एरिया निकलेगा, हाइट आपका 21 दिया था, 21 कर दीजिए, 4 बार में 7 हो गया, 15 × 4 = 60 है, 21 गुना करिएगा, 21 × 26 से यानी 1260 घन सेंटीमीटर आपका आंसर आवेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्या समझ में आया? चलिए बोलिए, फिर बताइए कहाँ पर दिक्कत हुआ, रिपीट कीजिए, बोलिए कहाँ समस्या हुआ। यहाँ पृष्ठ 840 लिखे ना, हाँ। या 40 से 1 से जो गुने 21 किए हैं, हाँ। यहाँ भी कैसे करते हैं?
बहुत बढ़िया। पार्श्व पृष्ठ का एरिया क्या बताए थे, पेरीमीटर और बेस गुना हाइट, पेरीमीटर और बेस गुना हाइट। तो पेरीमीटर ये जोड़िएगा ना तीनों भुजवा के, 8x, 15x और 17x, 8 और 15 कितना हुआ 23, 23 और 17 जोड़िएगा तो 40x, और ऊंचाइया दिया है 21, तो वही 21 लिखे है ना, फिर बाकी काट दिए हैं। और बोलिए, पार्श्व पृष्ठ का एरिया बताएं ना जी, पेरीमीटर और बेस गुना हाइट। समझ में आया? यस सर। और किन्हीं को कोई दिक्कत? एक बनाने के लिए दे रही हूँ। चलिए बनाने के लिए पहले लिखने दीजिए, रुकिए। और कल जो दूसरा पार्ट बनाए थे ना, उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, ठीक है, इसीलिए आपको हम क्वेश्चन जो सोल्व किया पीडीएफ बना के भेज दिए, फोटो खींच उतार लीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, एक समकोणीय प्रिज्म का आधार वर्ग है। अब देख लीजिए, प्रिज्म का आधार बोल रहा है कि वर्ग है, तो वर्ग है यानी कि बेस जो है वर्ग है, तो ये ध्यान रखिए कि इसका आधार ऐसा है। फिर कहते हैं इसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है, इसकी जो भुजा है 15 सेंटीमीटर, तो 15 15 15 हो गया चारों, क्योंकि वर्ग के चारों भुजा बराबर होती है। अब कह रहा है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, प्रिज्म जो बनेगा इसका हाइट जो है 8 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, टी एस ए बराबर होता है सी एस ए प्लस 2 गुना एरिया ऑफ बेस। देखिए केवल फार्मूला बेस्ड होता है, ठीक है, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो सी एस ए क्या होता है आप लोग के पता होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस गुना हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस गुना हाइट। तब पेरीमीटर कितना हो जाएगा, वर्ग है इसका बेस, तब बेस जब वर्ग है तब 15 चौका 60 हो जाएगा, और गुना हाइट, हाइट आपका 8 आ गया, प्लस 2 गुना एरिया ऑफ बेस, तब बेस तो इसका चतुर वर्ग है, तब 15 15 225। ध्यान दीजिएगा हम फार्मूला डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तब देखिए 8 6 48 480 और 225 दूनी 450 आएगा, तो 8 5 13 यानी 930 आ जाएगा, जो कि देख लीजिए आपका ऑप्शन डी है। समझ में आया? बोलिए। समझ में आया जी? चलिए जो जुड़े हैं बोलिए, जहानाबाद से कोई बोलिए, जहानाबाद से, समझ में आया? यस सर जी भैया। आपका गोविंदा जुड़े हैं कि ना? नहीं सर, नहीं जुड़े हैं। तो उनको जोड़िए, आपका गुतीवा सब लग रहा है गायब रहते हैं। यस सर, वो लोग अभी बिजी चल रहे हैं सर, एग्जाम चल रहा है उनको। बहुत बढ़िया, कहीं एग्जाम में बिजी रहा, ये 2 घंटा पढ़ लेंगे तो का घाटा करेगा। चलिए आगे देखिए। नहीं सर, असाइनमेंट बनाना रहता है उनको, बोले थे तो बोले कि असाइनमेंट बनाना रहता है तो। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक, आगे देखिए। हम एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई निकालना है, ये लंब प्रिज्म की ऊंचाई निकालना है जिसके लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 143 घन सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तब और इसकी परिधि, आधार की परिधि मैंने परिमाप दे दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो आप लोग के पता होगा कि सी एस ए बराबर होता है, सी एस ए बराबर होता है पेरीमीटर ऑफ बेस गुना हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। अब जो है पेरीमीटर ऑफ बेस मैंने परिधि वही बोल रहा है, तो ये 13 सेंटीमीटर दे दिया है, हाइट पूछ रहा है,
और इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल 143 दिया, तो बताइए 13 को 11,000 में हम काट दें क्या? कट गया ना, तो हाइट जो है आपका 11 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया? बोलिए कोई, समझ में आया? बोलिए। तब तो मैं लिखे जा सकते ना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, सब लिखने में व्यस्त। अजी बना हुआ तो हम फोटो खींच के भी भेज देंगे, पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन सॉल्यूशन का फोटो खींच के हम भेज देंगे, समझ लीजिए कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखो। चलिए कौन कौन जुड़े हैं एक बार चेक कर लूं। चलिए रॉकी कुमार भी जुड़े हुए हैं। यस सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, चुपके चुपके घुस जाते हैं। अभी जुड़े हैं सर, कुछ देर पहले। समझ में आया? हाँ आ रहा है सर। चलिए बहुत बढ़िया। इधर शेखर जी, एक दो दिन क्लास छूट गया था। अच्छा कोई बात नहीं, हम वीडियो डाल दिए हैं, ठीक है ना, यूट्यूब पे डाल दिए हैं, ठीक है, यूट्यूब पे डाला हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, पुनः शेयर करते हैं, सबको बताइएगा अपने ग्रुप में। चलिए तो अभी ये देखिए, ये साधारण सवाल था, यानी कि ये ऐसे ही बन जाएगा। अब देखिए कह रहा एक समकोण प्रिज्म है का आधार त्रिभुज है, एक बात तो तय कर रहा है इसका जो बेस है वो त्रिभुज है, तो हम लोग थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं कि भाई त्रिभुज बना लेते हैं जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। तो 8, 15, 17 जो है ना, समकोण त्रिभुज की भुजा को इंडिकेट करता है। 8, 15, 17 जो है ये समकोण त्रिभुज की भुजा को इंडिकेट करता है, और जनरली समकोण और समबाहु यही सब पर आधारित ज्यादा मिलता है। समकोण त्रिभुज की भुजा है, कहिए कैसे जाने? तो 17 के स्क्वायर करके देखिएगा और 8 के स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करिएगा तो दोनों बराबर आ जाएगा, और अगर बड़ी भुजा का वर्ग यानी दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर आता है तब वो समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, समकोण को इंडिकेट करता है, ये पाइथागोरस थ्योरम में ही है ना कि बड़ी भुजा का वर्ग यानी दो भुजा के वर्गों के योगफल के समान हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होता है, यही है। तो समकोण त्रिभुज की ये साइड हुआ, तो समकोण त्रिभुज के, चलिए अब आगे देखते हैं, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, आयतन पूछ रहा है। चलिए तो पहले जो दिया है पहले उसी को पहले देखिए, क्योंकि आयतन जब पूछ रहा है तो जरा सोचिए कि वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एरिया ऑफ बेस चाहिए। तो एरिया ऑफ बेस तो हम निकाल लेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल से, लेकिन यहाँ एक बात आ रहा हाइट, हाइट कहाँ से लाएंगे? हाइट तो इसमें दिया नहीं है, नहीं ना दिया है। देखिए ना, जब भी वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम होता है एरिया बेस गुना हाइट, तो हाइट प्रश्न में दिया ही नहीं है, तो पहला काम अब हमको है कि अब हाइट कैसे आवेगा ये देखना है। तो जो डेटा दिया रहेगा ना उसी में हाइट कहीं ना कहीं छिपा रहता है। तो देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 480 दिया है, मतलब सी एस ए बराबर 480 दिया है, और सी एस ए होता है पेरीमीटर और बेस गुना हाइट, सी एस ए होता है पेरीमीटर ऑफ बेस गुना हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, इतना बराबर 480 दिया है। अब पेरीमीटर कितना होगा? 8, 15, 23, 23 और 17, 40, तो 40 हो गया, और गुना हाइट बराबर 480 दिया है। अब इसको काट दीजिए तो देखिए 4, 12, 48, 120, यानी यहाँ से हमको हाइट निकल गया, हाइट पता चल गया कि 120 है, जब 120 पता चल गया तो वॉल्यूम ही निकल जाएगा। देखिए वॉल्यूम कैसे, एरिया या बेस, तो समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि दोनों छोटकी के गुना करके आधा कर दीजिएगा, दोनों छोटकी भुजा गुना करके आधा करिएगा, 4 × 8, 15 × 60 आ जाएगा, यानी एरिया बेस जो है 60, यानी 1/2 आधार × ऊंचाई वाला लगाए फॉर्मूला, हाइट जो है आपका 120 दिया, तो 12 × 72 हो गया,
और डबल जीरो कर दीजिएगा तो ये जो है आयतन सेंटीमीटर क्यूब में होता है, यानी 7200 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ 720 से दिया जी। 12 ही आया ना सर, हाइट 12 ही आया है। 12, अच्छा सुनना भी इधर था ना, अच्छा सुनना इधर था एगो, चलिए ठीक है 12 आया है, हमको लगा सुनमा ना ध्यान दिए, तो ये 720 आ गया है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया, समझ गए जी। यस सर ओ भेड़ा जी भैया। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल, कह रहा है कि एक समकोण प्रिज्म का आधार 16 30 34 है। अभी इसके पहले आप लोग देखे कि 8 15 17 जो है, 8 15 और 17, 8 15 17 समकोण त्रिभुज के भुजा है, तो देखिए ना एकर दुगने तो दोनों है सबकी, देखिए 8 दुनी 16 है कि नहीं, 15 दुनी 30 है कि नहीं, 17 दुनी 34 है कि नहीं, माने एकर दुगने ना है, इसका मतलब है ये भी समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब है ये भी समकोण त्रिभुज है, यानी कि 8 15 17 समकोण है, अगर इसमें हम गुना कर देंगे दोगुना या तिगुना भी करेंगे तो समकोण त्रिभुज ही आएगा। चलिए अब जो जरूरत पड़ेगा, और हाइट दिया है 32 तो हाइट हम लिख लेते हैं, ये तो पता चल गया संपूर्ण त्रिभुज है, हाइट जो है 32 सेंटीमीटर हो गया। बोलिए। यस सर। ठीक, बहुत बढ़िया। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पूछ रहा है, तो चलिए सी ए से निकालिए, तो सी ए से क्या होता है, पेरीमीटर और बेस गुना हाइट, केवल सूत्र याद रखिएगा सब बन जाएगा, पेरीमीटर और बेस गुनी हाइट। ओके, पेरीमीटर कितना हो गया, 16 34 जोड़िएगा 50 50 30 80, यही ना आया, जोड़िए ना 16 30 34, ठीक है ना। यस सर, 25 60 होगा। हाँ, गुने 32, तो 32 और 80 गुना करेंगे तो 8 दुनी 16 के 6 बाकी 1 आ गया, 2560, 8 24 25, यानी 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, लेकिन सवाल वॉल्यूम भी किया है, ऐसे भी 2560 लग रहा है एक के वॉल्यूम में, अच्छा दो गो में है, चलिए दो गो में है तो इसको रह देते हैं अभी, चलिए वॉल्यूम निकाल भी लेते हैं, एरिया ऑफ बेस, हाँ एरिया ऑफ बेस गुना हाइट, एकदम सूत्र पर पूछता है, देखिए ना, और सब क्वेश्चन पूछा लो, ये जितना है सब कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है, एरिया बेस गुना हाइट, तो एरिया कितना हो जाएगा जी, 16 30 के आधा होगा, 16 गुने 30 के आधा, और गुने हाइट कितना है 32, तो 32 लिख दीजिए, तो काट दीजिए 16 गुने 32, 16 480 गुने 16, 16 8 28 के 8 बाकी 12, 16 64 64, 64 और 12 76, 7780 है, यस सर, बी में सर, चलिए बी ऑप्शन आएगा, ठीक है, ठीक है, आए थे आयतन सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ठीक है ना। देखिए पिरामिड से बड़ी सब डरते हैं, लेकिन आसान होता है, फॉर्मूला याद है तो बन जाता है, हालांकि हम सब पीछे से चलेंगे, पहले पिरामिड पढ़ाए, प्रिज्म पढ़ाए, एक बार पिरामिड शुरू करेंगे, ओकर बाद समकोण, ठीक है, उल्टा जितना चैप्टर है सब उल्टा पढ़ाएंगे हम, सर ये सब प्रश्न जो बता रहे हैं ये सब असाइनमेंट का है या लेटेस्ट एग्जाम वाला है, क्या बोले, कह रहे हैं कि ये सब जो प्रश्न बता रहे हैं ये असाइनमेंट का है या फिर लेटेस्ट एग्जाम का है, लेटेस्ट एग्जाम से आया हुआ है, ठीक है, मतलब कि देखिए इसमें हम जनरली हम प्रीवियस क्वेश्चन उठाए हैं और असाइनमेंट का भी सवाल है, असाइनमेंट में भी है, असाइनमेंट का भी दे दिए हैं 2018 के बाद, उसमें असाइनमेंट में नहीं है तो वो भी हम इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, 2022-23 तक का सवाल है, ठीक है, अच्छा, और अच्छा। कुछ जो है कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया टीचर के असाइनमेंट से डाल दिए हैं, ठीक है, ठीक,
मतलब कि इसमें मिक्स ऐड करें। चलिए इसमें क्या डाल दिया गया ये सवाल है। चलिए आगे देखिए, ये कह रहा है किसी समकोणीय प्रिज्म का आधार समलंब है, किसी समकोणीय प्रिज्म का आधार समलंब है उसकी समांतर भुजा, देखिए आपके स्टडी मटेरियल का है, ठीक है, ये स्टडी मटेरियल का है जो हम दिए हैं। किसी ये पहला सवाल से यही है, किसी समकोणीय प्रिज्म का आधार समलंब है उसकी समांतर भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर और ये है। देखिए ये प्रिज्म कैसा है पहले ये समझिए। तो ये जो है समलंब है, इसका आधार आधार समलंब चतुर्भुज है, देखिए ऐसा है। और कह रहा है कि समांतर भुजा 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, यानी ई जो है 8 सेंटीमीटर है और ई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और समांतर भुजा के बीच की दूरी, यानी कि जो समांतर भुजा है इसके बीच का जो डिस्टेंस दिया है ये 8 सेंटीमीटर दिया है। और कह रहा है प्रिज्म का आयतन, हाँ ये पहला सवाल यही है, बुकलेट का है, हालांकि भी पूछा हुआ ही है और स्टडी मटेरियल में तो सब पूछा है, ये है 256 सेंटीमीटर है। देखिए आयतन दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। वॉल्यूम बराबर हम लोग के पता है, क्या पता है, एरिया ऑफ बेस गुना हाइट, हाँ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, एरिया ऑफ बेस गुना हाइट होता है। तो देखिए एरिया ऑफ बेस यहाँ पर क्या होगा, आप लोग के यहाँ पर हम सूत्र लिख दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में वो सूत्र नहीं लिखा जाता है। समलंब चतुर्भुज का एरिया यहाँ साइड में हम लिख देते हैं, 1/2 गुने बराबर भुजा का जोड़, 1/2 गुने बराबर भुजा का योग और गुने ऊंचाई होता है ना हाइट। देखिए यही होता है ना सूत्र जी, 1/2 गुने बराबर भुजा का जोड़ गुने ऊंचाई होता है। तो एरिया बेस लगाइए, 1/2 समांतर भुजा का जोड़, तो 8 और 14 जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा, और हाइट इसके कितना 8 दिया है, ये हाइट हुआ किसका समलंब का, और ये वो हाइट किसका है, ये हाइट प्रिज्म का है, ये प्रिज्म किसका है, प्रिज्म का हाइट है, और ये ऊंचाई किसका है पता है, समलंब चतुर्भुज का है, ध्यान दीजिएगा। तो इतना बराबर 256 दिया ही है, पुट कर दीजिए, और प्रिज्म का ऊंचाई पूछ रहा है तो यहाँ पर एच लिख डालिए, ठीक है, कटता है काट दीजिए, 11 × 2 = 22 कट गया, 1 × 8 = 88 तो लास्ट में 8 आएगा, 12 बार में लग रहा है कट जाएगा ना, बोलिए तो 1 × 8 = 88 8 आ रहा है जी, 8 × 2 = 16 छो है तो दूर लास्ट में तो रहे करेगा 12 सेंटीमीटर, समझ में आया, 12 बार में सर, तो हम भी तो बार है बोल रहे, हम कहाँ कुछ बोल रहे, नहीं नहीं समझ में आ गया, हम इधर काट रहे थे सर, आ गया, चलिए ठीक है आगे बढ़ाते हैं। आगे कह रहा है कि एक समलंबी प्रिज्म का आधार 17 सेंटीमीटर पर, बुकलेट में होगा जरा देखिए 17 है कि 173 है, बढ़िया देख लो तो बुकलेट में है, बच रहा है क्या 10 मिनट ही और बच रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर, समाप्त होवेगा तो पुनः फिर जुड़ जाना है, ठीक है। अच्छा एक बात बोलिए आप लोग, सर तो 9:30 वाला क्लास चलता है, 9:30 बजे चलवे करता है, अर्थमेटिक पढ़ाते हैं, एरिथमेटिक नहीं कल प्रिज्म ही पढ़ाए थे, एरिथमेटिक आप लोग बता ही नहीं कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर तो बताइए टाइम एंड वर्क, तो कोई आप लोग बोलिए टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रेडी रहेंगे तब ना, देखिए कोई कुछ नहीं जवाब दिए तो ना, हम प्रॉफिट लॉस, अरे ये सवाल देखिए ना, ये सवाल देखिए इसमें जो है ये क्या है, 17 है कि 173 है, हमको डाउट लग रहा है 173 लग रहा है होगा, असाइनमेंट में देखने बोल रहे हैं सर, हाँ एडवांस में प्री पिरामिड में देखिए, हमारा लग रहा है 173 होगा क्योंकि मेरे पास फोटो खींचा गया था तो पता चला कि
173 है। 173 है ना जी, तो वही तो लग डाउट लग रहा था कि आखिर ऐसे रहेगा तो बनवे न करेगा। चलिए खैर को बात ना जाइए। अब देखिए प्रिज्म का आयतन दिया है और पूछ रहा है पार्श्व पृष्ठ, तो जरा सोचिए कि प्रिज्म का जो पार्श्व पृष्ठ होता है, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ का जो सूत्र होता है, अब जरा देखिए कि सूत्र में जरूरत किसका किसका पड़ेगा। तो पार्श्व पृष्ठ होता है पेरीमीटर ऑफ बेस गुना हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, तो देखिए परिमाप निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज के अभी तो कुछ पता ही नहीं है, तो नहीं पता है तो पहले तो भुजा निकालना पड़ेगा। जरा देखिए निकलेगा सब कुछ, लेकिन जो दिया है पहले उस डेटा में आइए। ये कह रहा है कि 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया कल हम बता रहे थे, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, रूट तीन बटा चार गुने भुजा स्क्वायर होता है, रूट तीन बटे चार गुने भुजा स्क्वायर, रूट तीन बटे चार गुने भुजा स्क्वायर, रूट तीन बटे चार गुने भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दिया है 173, 173 रूट तीन बटे चार और भुजा स्क्वायर हो गया। अब देखिए रूट तीन का मान 1.73 होता है कि ना होता है, अरे रूट तीन का वर्गमूल 1.73 होता है ना। चलिए तो 100 बार में खत्म हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का मान 4 और 100 गुना करेंगे 400 आ गया, ए का मनमा 20 आ गया और भुजा निकल गया। अब आयतन में आइए, तो आयतन होता है एरिया ऑफ बेस गुना हाइट, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस और गुना हाइट होता है। अब जरा सोचिए कि वॉल्यूम दिया है कितना, 10380। एरिया ऑफ बेस, एरिया बेस यहाँ पर पहले ही दिया था 173, 173 गुना हाइट हो जाएगा, एच कर लेते हैं, 173 से के बार में कट रहा है, जरा देखिए 16 बार में 160 कट रहा है क्या, 17 × 2 = 6 से 6 बार में 60 बार में कट रहा है, हाइट आपका 60 आ जाएगा। ठीक है पढ़ के देखिए, छोटी 18 की 8। यस सर, 17 × 2 = 60 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। अब जरा देखिए कि हम भुजा भी निकाल लिए, हाइट भी निकाल लिए, तब पेरीमीटर नहीं निकलेगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 × भुजा, भुजा का मान 20 है, तब 20 × 3 कर दें और गुने हाइट, हाइट किसका है, प्रिज्म का हाइट है, ये प्रिज्म का हाइट है, तो प्रिज्म का हाइट 60 आ गया है, तो 60 × 60 करेंगे 3600 आ गया, 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। समझ में आया, चलिए किन्हीं को पूछना है इसमें बताइए, किन्हीं को पूछना है, कोई जवाब दीजिए, पूछे ला है जी, नहीं रॉकी जी समझ में आया, रॉकी आया सर, आगे बढ़ाते हैं। यस सर, ऐसे भी अब समय होने ही वाला होगा, ठीक ना, यस सर, ये बीच में ये समाप्त करके खत्म कर दे रहे हैं। ओके देखिए फिर इसके बाद नहीं चलेगा सर, हाँ फिर एक बार चलेगा, एक समलंबी प्रिज्म का, प्रिज्म के त्रिभुजाकार आधार का परिमाप देख लीजिए 15 सेंटीमीटर है और त्रिभुजाकार आधार के अंतर्वृत्त, सुनिए कल हम एक बात बता रहे थे त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए, कि अगर कोई त्रिभुज दिया